पिछली सरकार के कार्यकाल में पेपर लीक जैसी घटनाएं होने तथा समय पर परीक्षाओं का आयोजन नहीं होने से प्रदेश के युवाओं के भविष्य के साथ अन्याय हुआ। आप कंटिन्यू। इससे युवाओं में गहरा असंतोष है। हमने सरकार बनाते ही पेपर लीक जैसी घटनाओं की रोकथाम एवं दोषियों को सजा दिलाने के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन कर कार्रवाई प्रारंभ कर दी है। युवा हमारे प्रदेश के कर्णधार हैं, उनके भविष्य को सुरक्षित रखने की दृष्टि से उन्हें एम्प्लॉयबल बनाना हमारी प्राथमिकता है। इसके लिए प्रत्येक संभाग में रोजगार मेलों तथा उच्च शिक्षण संस्थानों में कैंपस प्लेसमेंट के आयोजन के साथ साथ स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कराए जाएंगे। भर्ती परीक्षाएं समयबद्ध आयोजित कराने के लिए राजस्थान लोक सेवा आयोग, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड आदि का वार्षिक भर्ती परीक्षा कैलेंडर जारी किया जाएगा। मुख्यमंत्री पर्यटन कौशल विकास कार्यक्रम प्रारंभ कर आगामी 2 वर्षों में 20,000 युवाओं एवं लोक कलाकारों को गाइड हॉस्पिटैलिटी पारंपरिक कला संबंधी प्रशिक्षण दिया जाकर एम्प्लॉयबल बनाया जाएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मानव क्षमता के उन्नयन, न्याय संगत और न्यायपूर्ण समाज के लिए के निर्माण तथा राष्ट्रीय विकास में शिक्षा के महत्व को देखते हुए केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लाई गई। हम प्रदेश में स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा तथा तकनीकी शिक्षा को इस फॉरवर्ड लुकिंग नीति के अनुसरण में गुणवत्तापूर्ण बनाएंगे। सभी वंचित वर्गों तक भी शिक्षा की पहुंच को सुलभ करने की दृष्टि से मैं आगामी वर्ष से अल्प आय वर्ग, लघु सीमांत, बटाईदार किसानों एवं खेतीयर श्रमिकों के परिवार के छात्र छात्राओं को केजी से पीजी तक निशुल्क शिक्षा प्रदान करने की घोषणा करती हूं। प्रदेश की राजकीय शिक्षण संस्थाओं में शिक्षा एवं शिक्षण का बेहतर वातावरण उपलब्ध कराने की दृष्टि से भवनों के रिपेयर, कक्षों एवं बालिका टॉयलेट्स के निर्माण तथा विभिन्न विभागों के अंतर्गत संचालित हॉस्टल्स एवं रेजिडेंशियल स्कूल्स में सुविधाओं के उन्नयन तथा रिपेयर व मेंटेनेंस कार्यों हेतु 250 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है। आर्थिक रूप से कमजोर परिवार के छात्र छात्राएं विद्यालय में हीन भावना से ग्रस्त ना हो तथा उन्हें भी शिक्षा हेतु आवश्यक स्कूल बैग, किताबें तथा यूनिफॉर्म उपलब्ध हो सके, इस दृष्टि से राजकीय विद्यालयों में पढ़ने वाले कक्षा 1 से 8वीं तक के समस्त विद्यार्थियों तथा कक्षा 9 से 12वीं तक की छात्राओं को आगामी वर्ष प्रति विद्यार्थी 1,000 रुपये की सहायता प्रदान किए जाने की मैं घोषणा करती हूँ।